गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेबल्स के बारे में। सिलेबल्स क्या होते हैं, मैंने आर के प्रोनाउंसिएशन की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिलेबल के बारे में बताऊंगी डिटेल से। तो इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और सिलेबल का डिविजन पढ़ेंगे। सिलेबल इज़ अ कम्प्लीट वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विद वन वॉवल साउंड। सिलेबल किसी भी वर्ड के अंदर वॉवल साउंड का जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम वॉवल सिलेबल कहते हैं। ये एक भी वर्ड हो सकता है और टू सिलेबल भी हो सकते हैं। जिस तरह से डॉग ड ऑग एक वॉवल साउंड है तो एक सिलेबल है। हंगरी हंगरी अ की साउंड भी और ई की भी साउंड है तो ये हंगरी मीन्स इसमें दो वॉवल साउंड हैं तो ये टू सिलेबल वाला वर्ड हो गया। लेकिन वाई जो है वो वॉवल नहीं है लेकिन वाई की साउंड इस वर्ड के अंदर ई की है, वॉवल की है, तो हमने यहाँ पर इसको टू सिलेबल काउंट किया है। तो ये याद रखिएगा कि काउंट जब भी आप करेंगे सिलेबल को तो वॉवल साउंड को काउंट करेंगे, वॉवल्स को काउंट नहीं करेंगे। जहाँ भी वॉवल साउंड होगी वहाँ पर हम एक सिलेबल काउंट करेंगे। कैट ए तो ये वन वॉवल साउंड है तो इसका वन सिलेबल है। चिल्ड्रन चिल ई की आवाज़ है और रन आ की आवाज़ है तो दो वॉवल साउंड है तो इसके अंदर इस चिल्ड्रन वर्ड में दो सिलेबल्स हैं। बनाना इसमें तीन वॉवल साउंड आ रही है, ब ना ना, ठीक है, और तीन दफ़ा साउंड है वॉवल की तो ये थ्री सिलेबल है। इनडिपेंडेंस इनडिपेंडेंस इसके अंदर फोर वॉवल साउंड है तो ये फोर सिलेबल का वर्ड है। बिजी बिजी में दो वॉवल साउंड है तो ये दो सिलेबल है। जी में ई की साउंड है बिल्कुल, इसके एंड में वाई है लेकिन साउंड क्योंकि ई की है तो इसलिए इसको हमने दो सिलेबल काउंट किया है। ब्यूटिफुल बी यू ब्यू टिफल इसके अंदर तीन वॉवल साउंड आ रहे हैं तो यहाँ पर तीन सिलेबल्स काउंट होंगे। एडोरेबल ए डो रे बल बल अ तो यहाँ पे भी चार वॉवल साउंड है तो यहाँ पर चार सिलेबल्स हैं। अब इन वर्ड्स को आप पढ़ेंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉई कॉलेज पावर इनकी आप प्रैक्टिस करें। जिस तरह से एम्प्लॉय ओ वाई ने एक वॉवल साउंड निकाला है ओए तो ये हो गया वन वॉवल साउंड। इम ई तो यहाँ पर ये टू वॉवल साउंड, एम्प्लॉय में दो वॉवल साउंड है जबकि इस वर्ड एम्प्लॉई में आप देखें एम प्लो ओ ई एम प्लो ई तीन वॉवल साउंड हैं तो ये तीन सिलेबल्स हो गए। पावर पो ओ वर आ तो यहाँ पे दो साउंड है वॉवल की तो ये दो सिलेबल का वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन दो में ब्रेक हो जाएगा। इस तरह कॉलेज खो लिज ओ और ई की आवाज़ आई है तो ये दो सिलेबल का वर्ड है, इसके अंदर दो वॉवल साउंड है। टू सिलेबल का थोड़ा सा डिवीजन कर लीजिए। सिलेबल कंप्लीट वर्ड जैसे डॉग कैट जिसके अंदर एक वॉवल साउंड हो या फिर किसी भी वर्ड के वो पार्ट्स जिसके अंदर वॉवल साउंड आ रही है उसके ब्रेक डाउन को हम सिलेबल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।